हेलो स्टूडेंट्स, आज हम योगा एज ए बून का एसे करेंगे। बून क्या होता है? वरदान। योगा तो आप सभी को पता है क्या होता है, और बून होता है वरदान। फर्स्ट है लाइन, योगा इज एन एंशियंट आर्ट। एंशियंट होता है पुराना, बहुत पुराना। योगा हमारा बहुत पुरानी आर्ट है दैट कनेक्ट्स द माइंड एंड बॉडी, जो हमारे दिमाग और शरीर को कनेक्ट करता है। इट इज़ एन एक्सरसाइज दैट वी परफॉर्म बाय बैलेंसिंग द एलिमेंट्स ऑफ अवर बॉडीज। हमारे शरीर के अंग, हमारे शरीर के हर पार्ट को बैलेंस करने में ये मदद करता है। इन एडिशन इट हेल्प अस मेडिटेट एंड रिलैक्स। जब हम योगा करते हैं तब हम बहुत आराम फील करते हैं, सारी टेंशन से दूर हो जाते हैं। इसलिए हम योगा को बहुत ज़्यादा करते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, अगर हम योगा करते हैं तो हम रिलैक्स हो जाते हैं। योगा हेल्प्स अस कीप कंट्रोल ऑफ अवर बॉडीज एज वेल एज माइंड। योगा हमारी मदद करता है हमारे शरीर पर काबू करने में, हमारे दिमाग को काबू करने में मदद करता है। इट इज़ ए ग्रेट चैनल फॉर रिलीजिंग अवर स्ट्रेस। ये बहुत अच्छा माध्यम है हमारे शरीर को, हमारे दिमाग को टेंशन से अलग करने के लिए। योगा गेन्ड पॉपुलैरिटी एंड इज़ नाउ स्प्रेड इन ऑल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। अब योगा पूरी दुनिया में फैल गई है। इट यूनाइट पीपल इन हारमोनी एंड पीस। क्योंकि जो योगा है ये हमारे शरीर को, हमारे दिमाग को शांति प्रदान करता है। इट हैज़ बीन अराउंड सिंस एंशियंट टाइम। यह है बहुत पुराने टाइम से हमारे पास है। एंड वॉज परफॉर्म बाय योगीज। और जैसे पुराने ऋषि होते थे, योगीज होते थे, वो इनको ज़्यादा करते थे। द टर्म योगा हैज़ बीन डराइव्ड फ्रॉम ए संस्कृत वर्ड विच ट्रांसलेट टू बेसिकली यूनियन एंड डिसिप्लिन। ये एक संस्कृत के शब्द से आया है ये वर्ड योगा, जो डिसिप्लिन, नियम और यूनियन को दर्शाता है। आफ्टर दिस पॉपुलैरिटी ऑफ योगा इंडिया बिकेम नोन फॉर योगा वर्ल्ड वाइड। अब बहुत सारी पॉपुलैरिटी के बाद जो हमारा भारत देश है वो योगा के लिए पॉपुलर हो गया है, और पूरी जो हमारी योगा है वो पूरी दुनिया में फेमस हो गई है। एंड नाउ देयर आर प्रोफेशनल योगीज हु टीच दिस एंशियंट प्रैक्टिस टू पीपल सो दे कैन लर्न अबाउट इट। अब यह कोई प्रोफेशनल योगीज आ गए हैं, बहुत प्रोफेशनल योगीज आ गए हैं जो इस पुरानी प्रथा को पढ़ाते हैं, लोगों को बताते हैं, ताकि वह इनके बारे में और कुछ बहुत जान सकें। एक बार हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। ये योगा इज़ एन एंशियंट आर्ट। योगा क्या है? हमारी बहुत पुरानी आर्ट है दैट कनेक्ट्स द माइंड एंड बॉडी, जो हमारे शरीर और दिमाग को कनेक्ट करता है। इट इज़ एन एक्सरसाइज दैट वी परफॉर्म बाय बैलेंसिंग द एलिमेंट्स ऑफ अवर बॉडीज। ये हमारे शरीर के हर भाग को बैलेंस करता है। इन एडिशन इट हेल्प्स अस मेडिटेट एंड रिलैक्स। ये हमारे शरीर को, दिमाग को, शरीर के हर पार्ट को रिलैक्स करता है, आराम देता है उसे। योगा हेल्प अस कीप कंट्रोल ऑफ अवर बॉडीज एज वेल एज माइंड। योगा हमारी मदद करता है हमारे दिमाग पर काबू पाने में, हमारे शरीर पर काबू पाने में। इट इज़ ए ग्रेट चैनल फॉर रिलीजिंग अवर स्ट्रेस। ये बहुत अच्छा माध्यम है हमारे शरीर में से टेंशन दूर करने का, स्ट्रेस दूर करने का। योगा गेन्ड पॉपुलैरिटी एंड इज़ नाउ स्प्रेड इन ऑल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। यह योगा अब इतनी पॉपुलर हो गई है, ये दुनिया के हर हिस्से में पहुंच गई है। जो हमारे विदेशी लोग हैं वो भी अब योगा को करने लग गए हैं। इट यूनाइट्स पीपल इन हारमोनी एंड पीस। यह लोगों की शांति देता है और उनकी टेंशन को दूर करता है। इट हैज़ बीन अराउंड सिंस एंशियंट टाइम्स। यह बहुत
पुराने समय से हमारे यहाँ है एंड वॉज परफॉर्म बाय योगीज, और ये बड़े बड़े योगी ऋषि होते थे, इन द्वारा की जाती थी पहले, एंड वॉज परफॉर्म्ड बाय योगीज। द टर्म योगा हैज़ बीन डराइव्ड फ्रॉम ए संस्कृत वर्ड, जो योगा शब्द है वो एक संस्कृत के शब्द से लिया गया है, विच ट्रांसलेट्स टू बेसिकली यूनियन एंड डिसिप्लिन, जो नियमों के बारे में, यूनियन के बारे में हमें बताता है वो शब्द। आफ्टर दिस पॉपुलैरिटी ऑफ योगा इंडिया बिकेम नोन फॉर योगा वर्ल्ड वाइड, अब योगा में इतनी पॉपुलैरिटी हो गई है जो हमारा भारत देश है वो योगा के नाम से जाना जाता है, एंड नाउ देयर आर प्रोफेशनल योगीज, अब यहाँ पर बड़े बड़े योगीज आ गए हैं जो प्रोफेशनल है, हु टीच दिस एंशियंट प्रैक्टिस टू पीपल, जो इस पुरानी प्रथा को लोगों तक पहुँचाते हैं, लोगों को सिखाते हैं, सो दे कैन लर्न अबाउट इट, ताकि जो हमारे यहाँ के लोग हैं योगा के बारे में जाने। एक बार मैं आपको जो हमारी मुश्किल है वर्ड्स उनकी स्पेलिंग बता देती हूँ, कई बार राइटिंग प्रॉब्लम भी हो जाती है। एंशियंट ए एन सी आई ई एन टी एंशियंट, नेक्स्ट है कनेक्ट्स सी ओ डबल एन ई सी टी एस कनेक्ट्स, नेक्स्ट है एक्सरसाइज ई एक्स ई आर सी आई एस ई एक्सरसाइज, नेक्स्ट है बैलेंसिंग बी ए एल ए एन सी आई एन जी बैलेंसिंग, नेक्स्ट है एडिशन ए डबल डी आई टी आई ओ एन एडिशन, नेक्स्ट है मेडिटेट एम ई डी आई टी ए टी ई मेडिटेट, नेक्स्ट है रिलीजिंग आर ई एल ई ए एस आई एन जी रिलीजिंग, नेक्स्ट है चैनल सी एच ए एन एन ई एल चैनल, नेक्स्ट है पॉपुलैरिटी पी ओ पी यू एल ए आर आई टी वाई पॉपुलैरिटी, नेक्स्ट है हार्मनी एच ए आर एम ओ एन वाई हार्मनी, नेक्स्ट है डराइव्ड डी ई आर आई वी ई डी डराइव्ड, नेक्स्ट है ट्रांसलेट्स टी आर ए एन एस एल ए टी ई एस ट्रांसलेट्स, नेक्स्ट है बेसिकली बी ए एस आई सी ए डबल एल वाई बेसिकली, नेक्स्ट है डिसिप्लिन डी आई एस सी आई पी एल आई एन ई डिसिप्लिन, नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड डब्ल्यू ओ आर एल डी डब्ल्यू आई डी ई वर्ल्ड वाइड, नेक्स्ट है प्रोफेशनल पी आर ओ एफ ई डबल एस आई ओ एन ए एल प्रोफेशनल, नेक्स्ट है प्रैक्टिस पी आर ए सी टी आई सी ई। आज हमारा ये ऐसे हो गया है योगा एज ए बून, ये आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और साथ साथ याद ही करेंगे। ओके, हैव ए गुड डे, स्टे सेफ स्टे हेल्दी।